गुड मॉर्निंग, टुडे इज 12th नवंबर 2018 और आप सभी का स्वागत है DNA में, दैट इज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज देखते हैं कि आज के एडिशन में कौन कौन से न्यूज़ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज होगा जो हम लोग देखेंगे कि अवनी, जो कि एक टाइगर का वहाँ पर डेथ हो गया था, मार दिया गया था, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है वहाँ हम लोग देख लेंगे। और डिटेल में आज हम लोग NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जानेंगे कि ये आखिर क्या काम करती है और क्यों करती है और आखिर ये किस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। तीसरी न्यूज है सी लॉज, जैसे आप लोग लॉज देखते हो, होटल देखते हो, रेस्टोरेंट देखते हो, तो ये पर्टिकुलर टाइप का सी लॉज बनाया गया, इसका पीछे का क्राइटेरिया क्या है उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और कहां बनाई गई है। साइक्लोन टू हिट इन 15 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन में जो है साइक्लोन आने की संभावना बताई जा रही है। अफोर्डेबिलिटी ड्राइवर्स इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या होता है और ये किस चीजों से रिलेटेड है उसे भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट जो है टर्म्स उठाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। न्यूट्रिनो के बारे में पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको दूंगा। न्यूट्रिनो से रिलेटेड एक जो भी यहाँ पर एजेंसी बनाई जा रही थी, वो लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उससे रिलेटेड जो है एक्सप्लेन्ड पेज पे न्यूज़ बताई गई है, लेकिन वो जो है उस लेबोरेटरी को बनाने की प्रक्रिया के बारे में। लेकिन न्यूट्रिनो आखिर होता क्या है, ये क्या काम करता है और ये इसका एग्जिस्टेंस आखिर क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सारे मुद्दे को आज हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे, न्यूट्रिनो को समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको इतनी ईजी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि आप न्यूट्रिनो को कभी भूलोगे नहीं। एस्टेरॉयड वर्सेज कॉमेट, ये दोनों मतलब ऐसे टर्म है, एस्टेरॉयड हो गए, कॉमेट हो गए, और भी कुछ ऐसे साइंटिफिकल टर्म्स है जो कि कभी कंफ्यूज कर देते हैं, तो इस सब में आपस में क्या मतलब डिफरेंसेस होते हैं उसे समझेंगे। और साथ ही साथ एलियन शिप, मतलब बाहर कभी कुछ कॉमेट दिख गया, एस्टेरॉयड दिख गया, किसी कोई लाइट इमिटिंग कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं जब यूनिवर्स में, तो हमें ऐसी लगने लगती है कि हो सकता है ये एलियन का शिप है, तो हम लोग उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अयोध्या फ्रॉम फैजाबाद, अयोध्या का नाम चेंज कर, फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया, तो हम लोग उसके थोड़े हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आखिर वहां की क्या है। राम के अलावा सऊदी अरेबिया टू सिप लेस ऑयल, सऊदी अरेबिया बोला है कि हम लोग जो है कम से कम लगभग अपना ऑयल जो प्रोडक्शन है थोड़ी कम कर देंगे आने वाले समय में, और ऐसा ये क्यों कह रहा है उसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इतनी न्यूज को आज हम लोग पूरे डिटेल में विश्लेषण करेंगे। देखो ये फ्रंट में ही जो फर्स्ट न्यूज आपको दिख रही है, यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो टाइगर को अभी शूट कर दिया गया था महाराष्ट्र में, उसके बाद हमारे जो चाइल्ड और वुमेन मिनिस्टर है मेनका गांधी, उन्होंने भी कंसर्न रेज किया था कि इसको ऐसी नहीं करनी चाहिए, तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि इट वाज फेसिंग अवे फ्रॉम द शूटर, मतलब ये जो शूट किया था वो पर्सन बोल रहा था कि ये मेरे पे अटैक किया जिस कारण से मैं सेल्फ डिफेंस में इसे मतलब मार दिया। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है तो उसमें पता चल रहा है कि मतलब कोई जब आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसका फेस किसके ओर होना चाहिए, आपकी ओर होना चाहिए, तभी आप उसको बुलेट किस ओर से मारोगे। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें बताया जा रहा है कि उसका फेस जो है उसकी ओर नहीं, उसकी डिफरेंट ओर था, मतलब उसके उस ओर नहीं था और उसको शूट किया गया है। तो अभी मामले क्या किस तरीके से आगे चलेंगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखो आपको ये तो आपकी जो पिक्चर दिख रही है, यहां पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है कहां पर गए हुए हैं, पेरिस गए हुए हैं, क्यों गए हुए हैं, वहां पर जो है वर्ल्ड वॉर वन में जितने लोग मारे गए थे उसके 100 वर्ष हो गए, तो रिमेम्बरेंस डे के रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल भी आपको समझाई थी अपने जो एडिटोरियल डिस्कशन है, तो वहीं पर ये लोग गए थे और वहाँ पर हमारे लिए भी एक स्तंभ उन्होंने इनॉग्रेट किया, उसे हम लोग वर्ल्ड पेज पर और डिटेल में देखेंगे। ये जो देखो लेफ्ट पेज पर, तो इसमें बताया जा रहा है ये जो एक बंदा है नसुदुल हमजर, ये बता 26 ईयर्स का है, केरला का है, जो कि पहले ओमान गया और ओमान के बाद अफगानिस्तान होते हुए वो वहाँ पर काम करने गया था, लेकिन वो मतलब किसी भी तरीके से उसको पाकिस्तान भेजने का प्रक्रिया में वो फंस गया और किसी भी तरीके से वो बचकर अभी वापस इंडिया, और बताया कि ऑलमोस्ट मैं मतलब फंस गया था और वो क्या कहते हैं हमें पाकिस्तान भेज दिया जाता और मैं ISIS ज्वाइन कर लेता, तो इसे जो पकड़ने में मतलब कामयाबी हासिल की हमारी एजेंसी NIA। तो NIA जो है ये काम कैसे करती है, तो NIA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या है, एक सेंट्रल एजेंसी है, ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, किस लिए, कॉम्बैट टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। और ये कब, 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था होटल ताज पे, उसके बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा कि CBI से जो है सिर्फ टेररिज्म के मामले मतलब हैंडल नहीं हो सकते, इसको हैंडल करने के लिए टेररिज्म के मामले को हमें एक स्पेशल बॉडी बनाने की जरूरत है, और फिर हमने NIA का गठन किया। और ये जो एक्ट है ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरीके से काम करती है।
है। और ये जो एम मतलब जो इसकी एम है वो क्या है, बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाना, ताकि हम लोग टेररिज्म जैसे मामले को इजिली हैंडल कर सके। और होपफुली 2008 के बाद वैसे कुछ हमले अभी तक नहीं हुए। एनआईए को इसकी सक्सेस के लिए हम लोग कॉन्ग्रेट्स कर सकते हैं। और इसके जो बॉडी में होते हैं लोग, ये हाईली ट्रेंड होते हैं और पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्क फोर्सेज, मतलब कहीं से भी इनको हेल्प की जरूरत है तो उनके साथ वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, इंटरनेशनल बॉडी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई ऐसी बॉडी हो, तो वो जिसकी भी मदद लेना चाहे वो उनके साथ मदद लेकर वो सारी चीज़ों की देखरेख करते हैं। और टेररिज्म के अलावा क्या क्या चीज़ों की ये देखते हैं, काउंटरफिट, मतलब ये नकली नोट और मतलब ये जो नकली नोट के जो धंधे होते हैं, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो गए, या फिर वायलेशंस ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, इन सारे चीज़ों को भी एनआईए देखती है। तो फंक्शनिंग ऑफ एनआईए आप समझ गए। और इसके अलावा जो ये करती है, एक डेटा मेंटेन करके रखती है। डेटा मेंटेन मतलब पूरे इंडिया में टेररिज्म से रिलेटेड डेटा आपको किसी एक वर्क प्लेस पे, जैसे बैंक में होते हैं सारे पैसे रखे जाते हैं, तो वही जो है एनआईए के पास जो है एक स्टोरेज फैसिलिटीज है, जहां पर वो टेररिज्म से रिलेटेड सारे मामले को वहां पर वो रिकॉर्ड बनाकर रखती है। तो ये एनआईए क्या कोई स्पेशल कोर्ट होता है? जी हाँ, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट के प्रावधान है। और ये वेरियस स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश अंडर द सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ द एनआईए एक्ट 2018। और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है कि वो किसी भी एरिया में, मतलब मान लो कि गुड़गांव के किसी एरिया में कुछ ऐसे आतंकवादी गतिविधि हुए और वहाँ के मामले को वहाँ पर निपटाना है, तो वहीं पर एक कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना दिया जाएगा। तो ये क्या है, 38 स्पेशल कोर्ट जो है एनआईए के लिए बनाए गए हैं। और इसमें जो जज होंगे कौन होंगे, ये जज भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। किनसे, मतलब वो रिकमेंडेशन पे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब अगर झारखंड में कहीं पर कुछ ऐसे आतंकवादी गतिविधि हुई है और वहाँ पर मतलब वहाँ से एनआईए की एजेंसी जो है वहाँ पर रिपोर्ट वहाँ पर लिखी है आतंकवादी गतिविधि की, तो वहीं पर झारखंड के किसी हाई कोर्ट में ये मामले चलेंगे और वहां पर वहां के जो चीफ जस्टिस हैं वो रेकमेंड करेंगे कि पर्टिकुलर दो जज को इसमें भेज दिया। तो दो जज के बेंच होंगे और वहीं पर इसकी सुनवाई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। पावर्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स, इसकी कुछ स्पेशल पावर्स होती है, तो इसके पास जितने पावर्स होते हैं एक नॉर्मल कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, वो सारे कोर्ट इसको पावर्स मिले होते हैं। और द प्रेसिडेंस ओवर द ट्रायल ऑफ एनी अदर केसेस अगेंस्ट द एक्यूज, और ऐसे मतलब कोई भी केसेस जो कि पर्टिकुलर पर्सन पे कोई आतंकवादी गतिविधि क्या उससे पहले भी उस पर कुछ केसेस मामले चल रहे किसी डिफरेंट कोर्ट में, तो वहां पर भी जाकर ये दखल अंदाजी कर सकती है, वहां पर जाकर ये इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो इतनी पावरफुल एनआईए को बनाई गई है हमारी कंट्री में। ये देखो जो नेक्स्ट न्यूज है, सी लॉज, ये केरला का न्यूज है। केरल में एक ऐसा डिफरेंट टाइप का लॉज बनाया गया। इस लॉज की मतलब जैसे कि आप सी से समझ सकते हो, ये मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलरली वैसे वुमेन के लिए बनाया गया जो वहां पर आती है और मतलब हम महंगे होटल को अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनके पास खास करके छोटे बच्चे होते हैं। तो वैसे जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, डॉर्मेट्री की वहाँ पर व्यवस्था होती है, सेम उसी तरीके से आप वहाँ पर, क्योंकि केरल है वो क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ टेंपल्स, वहाँ पर बहुत सारे टेंपल्स होते हैं, बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ पर कोई ऐसी वुमेन है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, वो यहाँ पर रह सकती हैं और उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरा है, अंदर में जितने भी गार्ड और मतलब देख रेख करने वाले सारे आपको वुमेन मिलेंगे। और साथ ही साथ एक कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी, कनेक्टिविटी इन द सेंस इस लॉज से लेकर आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो या फिर एयरपोर्ट जाना चाहते हो, आपको कैब की फैसिलिटी, बस की फैसिलिटी, ये सारी चीजें भी आपको यहां से डायरेक्ट ये मिलेंगी। तो ये सारी चीजें जो है वहां की गवर्नमेंट की बहुत दिनों से ये प्लान कर रही थी और ऐसे ये दो और डिस्ट्रिक्ट में बनाई है। और द सी लॉज एम्ड एट दोज हु कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड द फैंसी होटल टू स्टे फॉर अ नाइट, आप एक रात तक वहां पर चाहो तो रुक सकते हो इन द केस ऑफ इमरजेंसी। साइक्लोन स्टॉर्म बोला जा रहा है कि हमारे जो IMD है वो बता रहे हैं कि ये देखो, द स्टॉर्म लाइकली टू फॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल और एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हेवी रेनफॉल इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अराउंड द 14th एंड 15th नवंबर के आसपास वहां पर भारी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। नेक्स्ट पेज पे चले तो पॉलिटिकल न्यूज आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यहां पर देखो मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज आपको समझना है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि अफोर्डेबिलिटी ड्राइवर्स इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी
ट्राइबर्स इंडेक्स ये होता है कि मतलब कि वहां पर कितनी इजी वे में, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 10 पैरामीटर को जज करता है ना, कि क्रॉस बॉर्डर कैसा है, वहां पर प्रॉपर्टी कितनी आसान से खरीद सकते हैं, वहां पर इंस्पेक्टर राज है या नहीं है, इससे रिलेटेड पूरे चीजों को आज के एडिटोरियल में भी मैंने एक्सप्लेन किया, आप जाकर वहां देख लेना। और जैसे कि ईज ऑफ डूइंग में 10 पैरामीटर्स होते हैं, वैसे ही अफोर्डेबिलिटी ड्राइवर इंडेक्स में भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि वहां की कंट्री की पॉलिसी किस तरीके की है, रेगुलेशन वर्क वहां पर कैसा चल रहा है, वहां पर सप्लाई साइड एनवायरमेंट कैसा है, वहां पर जो है इंडस्ट्री कितने कॉस्टली है, तो ये सारी चीजों को पैरामीटर रखते हुए हम लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में इंटरनेट की फैसिलिटी जो है कितनी सस्ते दामों पर और कितनी व्यवस्थित ढंगों पर वहां पर मौजूद है। और हमारे कंट्री में जियो के आने के बाद खास करके जो 1 GB डेटा का जिस तरीके से कॉस्ट जो है वो घट गया, बहुत कम हो गया, उस तरीके से ये अफोर्डेबिलिटी ड्राइवर्स इंडेक्स दिखाती है कि वहां पर इंटरनेट किसी पर्टिकुलर कंट्री में कितनी अफोर्डेबल ढंग से वहां पर एक्सेस की जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले एक रिपोर्ट बताया था कि अफोर्डेबिलिटी ड्राइवर्स इंडेक्स ने बताया कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है इंटरनेट को यूज करने वालों की जिस तरीके से परसेंटेज में इंक्रीज हो रही थी, जैसे देखो 2010 में इंडिया में जो है 92 मिलियन लोग 2010 में यूज कर रहे थे, और 2016 में ये 92 कितना बन गया, 390 मिलियन बन गया। तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट को यूज करने की यूज को करने वाले का जो एक डेटा निकाला गया वो कम हो रही है, लेकिन इंडिया में बढ़ती जा रही है, मतलब वर्ल्ड में लोग कम हो रहे हैं इंटरनेट को यूज करने वाले, मे बी उसका जो अफोर्डेबिलिटी ड्राइवर इंडेक्स होगा क्योंकि इंडिया में जो है इंटरनेट बहुत सस्ते हो गए, जो भी कारण है। और अभी जो है अफोर्डेबिलिटी ड्राइवर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन कहां पर है, इंडिया की पोजीशन 8th पोजीशन है, और ये इससे पहले कहां थी 23rd से ये डायरेक्ट जो है 8th पोजीशन पे छलांग लगा दी 2016 में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो है इंटरनेट को अफोर्ड करना इतनी आसान हो गई है। यहां पर देखो न्यूट्रिनो फैसिलिटी हैज माइल्स टू गो, न्यूट्रिनो फैसिलिटी से रिलेटेड मैंने आपको इससे पहले वाले डीएनए में बताया था कि एनजीटी ने इसे क्लियरेंस दे दिया कि आप पर जा है यहां पर ये जो प्रोजेक्ट था हमारा कि न्यूट्रिनो को हम लोग लैबोरेटरी बनाने वाले थे, इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो, लेकिन फिर भी अभी तक हम इस चीजों को बना नहीं पाए, जबकि हमारी टारगेट क्या थी, हमारी टारगेट थी 2020 तक हम इससे रिलेटेड कुछ रिएक्टर बना लेंगे और वहां पे कुछ रिसर्च वर्क होगा। तो उससे पहले मैं आगे समझाऊं आपको कि क्या ये मामले हैं, उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर न्यूट्रिनो होता क्या है, और न्यूट्रिनो के बारे में इतनी मतलब ज्यादा जानकारी या फिर न्यूज में इतनी चीजें क्यों नहीं होती है। तो मैं बता दूं कि न्यूट्रिनो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और ये देखो एक टाइनी बहुत ही छोटा और फिर साथ ही साथ मासलेस, मतलब आप इतना छोटा कह सकते हो कि वो उसमें कुछ मास नहीं के बराबर होता है, एंड द ट्रेवल नियर स्पीड ऑफ लाइट, और वो जो ट्रेवल करता है वो लाइट के स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकता है। जब मैं बोल सकता हूँ लाइट के स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकता है, इसका मतलब ये कि अगर आप जाकर खिड़कियां खोलते हो और धूप में जाकर आप अपने पाम को हाथ को अगर खिड़की के पास रखते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिलियंस, मतलब उसी वक्त जो है बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो जो है जो कि सन से निकल रहे हैं आपके हाथों को पास करता हुआ गुजर गया। जैसे आप जाकर एक्सरे करवाते हो, तो एक्सरे करवाने के बाद क्या होता है, लाइट जो आपके बॉडी को ट्रांसमिट कर जाती है, पास कर जाती है, और पास करने के कारण फिर आपकी बॉडी के अंदर की जो चीजें होती है, फंक्शंस होती है, उसको क्या करती है, प्रिंट कर देती है डिजिटली। तो ठीक उसी तरह न्यूट्रिनो भी एक, मतलब पहले तो इसे बोला जाता था कि इसमें मास होता ही नहीं है, लेकिन बाद में इसे डिटेक्ट किया गया कि इसके पास भी थोड़ी सी मास होती है, तो इसे क्या बोला गया, नियरली मासलेस होता है, ठीक है। तो ये ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि पूरे यूनिवर्स में सेकेंड मोस्ट, आप कह सकते हो प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट है, लाइट के बाद, फोटोन के बाद जो है आप कह सकते हो कि ये न्यूट्रिनो जो है सबसे ज़्यादा एबंडेंस में पाई जाती है। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो बोला जा रहा है कि सन में क्या प्रोसेस होता है, सन में होता है फ्यूजन होता है या फिजन होता है, सन में होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देती है, हीलियम बना देती है, और इसी प्रोसेस से क्या होता है, वहां से लाइट इतनी ज़्यादा निकलती है सन से। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर जो हीलियम मिल रहा है, और यही हीलियम क्या कर रहा है, लाइट को वहां से इमिट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ भी केमिकल रिएक्शन करते हो या कुछ भी काम करते हो, उसका कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट होता है। तो न्यूट्रिनो को क्या बोला जाता है कि ये हीलियम का ही बाय, मतलब ये जो प्रोसेस है सन में जो चल रही है लगातार हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मिलने की, उसके बाय प्रोडक्ट से क्या निकल रही है, न्यूट्रिनो। और क्योंकि सन में ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलने का, बहुत एबंडेंस मासले में है, क्योंकि लाइट आप देखते हो, अगर जब सन की लाइट फॉल करती है आपके अर्थ पे सुबह से लेकर रात, मतलब जब तक शाम नहीं हो जाती, कितनी मतलब चारों ओर
प्योर लाइट रहती है। तो वो लाइट क्यों है? क्योंकि वहां पर वो प्रोसेस हो रहा है। तो ठीक समझ लो कि उतनी ही अबेंडेंस में न्यूट्रिनो भी है, लेकिन हम न्यूट्रिनो को अपने आंखों से नहीं देख सकते। तब आपके मन में एक क्वेश्चन और रेज होना चाहिए कि जब हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, उसके पास मास नहीं है, तो आखिर उसे डिटेक्ट कैसे किया, हम उसे पहचाने कैसे कि आखिर न्यूट्रिनो जैसा कोई प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट भी होता है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि इसको क्या किया गया। न्यूट्रिनो को बताया जाता है कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पास थ्रू द इंटरैक्ट एंड दे प्रोड्यूस अ चार्ज पार्टिकल। जैसे ही मतलब किसी चीज से ये इंटरैक्ट होता है या कहीं से पास करता है, ये एक चार्ज पार्टिकल को मतलब प्रोड्यूस कर देता है। और इसी को क्या किया गया, इसे ट्रैवल करवाया गया किसके द्वारा, एक आइस के द्वारा ट्रैवल करवाया गया। और जब ये आइस के थ्रू जब ये पास किया न्यूट्रिनो, तो वहां पर देखा गया कि लाइट इमिट हो रही है। जैसे हम बताए आपको कि ये सन का एक बाय प्रोडक्ट है, जैसे कि सन में जिस प्रोसेस के कारण इतनी ज्यादा तेज लाइट वहां से निकल रही है कि हमें ना टॉर्च की आवश्यकता होती है ना ट्यूबलाइट की जरूरत होती है, तो वही चीज जो है हीलियम भी वहां का बाय प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या कि हीलियम में भी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि वहां से भी लाइट को हम लोग इमिट करवा सकते हैं अगर इस पर ज्यादा रिसर्च किया जाए। तो सेम वही चीज हुआ, जब इसे आइस के थ्रू पास करवाया गया तो आइस से जो है लाइट इमिट हुआ। तो अभी जो है मामला, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं न्यूट्रिनो के बारे में, क्योंकि न्यूट्रिनो को रिसर्च करने के लिए, उसको समझने के लिए इंडिया में क्या एक लैबोरेटरी बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ये कहाँ अंडरग्राउंड किया जाने था, मतलब ये पृथ्वी पे नहीं, जैसा कि आप लैब देखते हो कि 4 मंजिले 5 मंजिले बिल्डिंग पे बना, ये जो है धरती के नीचे इसके रिएक्टर को लगाना था। और ये नीचे भी कितना 1.5 किलोमीटर जो है पृथ्वी के नीचे, इसमें अर्थ सरफेस के नीचे इसको लगाना था। और आप अब सोच रहे हो ऐसा क्यों करना था, क्योंकि ये नियरली मासलेस होती है, इसको हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते, और ये मतलब इतनी छोटी होती है कि इसके मतलब कोई भी इफेक्ट्स को हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो 1.5 किलोमीटर जहां नीचे जब हम लोग अर्थ नीचे जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब साउंड के कारण डिस्ट्रैक्शन हो गया, लाइट के कारण डिस्ट्रैक्शन हो गया, हमारे एनवायरनमेंट में इतने डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके कारण डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो जिस कारण से क्या होगा, हम उसे वहां पर इजीली ट्रैप कर सकते हैं। और जब हम न्यूट्रिनो को ट्रैप करेंगे तभी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जब वो हमारे हाथों में आएगा नहीं, जब कोई डिवाइस को हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो हम उसे स्टडी आखिर करेंगे कैसे। तो इस कारण से इसे जो है अर्थ के नीचे पर लगाने की कोशिश की जा रही है, और जो इंडिया जिस कारण से इस पर ज्यादा और रिसर्च करने की जरूरत है। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल जैसा मैंने बताया, तो अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें ये प्रोसेस की यहां पर जो डिस्कशन दिया गया, आखिर इसकी मामला क्या है, तो इसमें एक हर्डल्स है। हर्डल्स क्या है कि यहां पर जो है लोग क्यों कह रहे हैं, न्यूट्रिनो को लोग मिसकंसेप्ट करके पहले न्यूट्रिनो को न्यूट्रॉन समझ लेते हैं। और न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन का मतलब यह होता है कि एटम का बीच का पार्टिकल, जहां पर न्यूट्रॉन है और साथ ही साथ पॉजिट्रॉन भी होता है। तो इसका मतलब यह समझ रहे लोग कि जैसे कि न्यूट्रॉन वही चीज है, न्यूक्लियस का वहां पर तोड़ना मरोड़ना, न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ वहां पर एक्टिविटीज होगी, और लोगों को लगता है कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल भी इससे इमिट हो सकती है। तो जिस कारण से लोगों में एक डर सा बैठा हुआ है कि वहां पर ऐसा ना हो जाए कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में वहां पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल पूरे फैल गए, तो उसका वैसा ऐसा ना हो जाए, इसलिए लोग इस चीजों को करने नहीं दे रहे थे। लास्ट ईयर जो था हमारी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देती है, वो क्लियरेंस भी नहीं दे रही थी। लेकिन जब ये क्लियरेंस मिल गया तो लोकल पीपल इसके अगेंस्ट हो रहे हैं कि क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं क्योंकि ये 1.5 किलोमीटर अर्थ के नीचे इसके रिएक्टर को लगाया जाना है, तो ऐसे चांसेस हैं क्या कि वहाँ के जो ग्राउंड वाटर थे वो पॉल्यूट हो जाएंगे, और साथ ही साथ क्योंकि ग्राउंड के नीचे कैनाल होते हैं, डैम्स के जो पानी होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, घरों पे, सिटी में पहुंचाई जाती है, तो मे बी वो जो वाटर है उसको भी ये पॉल्यूट कर सकता है। तो ये 3-4 कारण के ये जो है अभी तक इस चीजों को हम लोग सक्सेसफुली नहीं कर पाए। और अगर हम लोग, हमारी टारगेट क्या थी, हमारी टारगेट थी कि 2020 तक हम लोग रिएक्टर को लगाकर इस पार्टिकल पे हम लोग रिसर्च वर्क स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये जो 2020 का टारगेट अब कहां 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक हम लोग इस प्लांट को लगाने में सक्षम ही नहीं हो पाए हैं। और 2023 को लगाने के बाद ये बोल रहे हैं कि 2-3 साल तो हमें पूरे सेटअप बनाने में लग जाएंगे, और मैं जल्द से जल्द ये सेटअप अगर गई उसके बाद जो है रिसर्च जो वर्क है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब आपके मन में एक और क्वेश्चन साथ ही साथ उठनी चाहिए कि क्या इंडिया एक इकलौती कंट्री है जो न्यूट्रिनो पे रिसर्च करने जा रही है? नहीं, इसके अलावा चाइना हो गया, जापान हो गया, यूरोप हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये लोग भी इस पार्टिकल पर जो है रिसर्च वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बोला कि सबसे अबंडेंट पार्टिकल है हमारे हमारे अर्थ में, और लेकिन अबंडेंट होने के बावजूद भी हमारे पास इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है,
है, तो उसकी जानकारी को अगर हम लोग एकजुट कर लिए तो उस जानकारी से हो सकता है हमें ये जो अर्थ सन में जो प्रोसेस चल रहा है उस सन को प्रोसेस में समझने में हमें आसान होगी, और साथ ही साथ हम अपने इन्वायरमेंट को भी समझ सकते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट आखिर इतनी यूनिक बनी कैसे। और भी जितने स्पेस पे, चाहे आप मून पे जाते हो, मार्स पे जाते हो, जुपिटर पे जाते हो, ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जिस तरीके का यहाँ पे इन्वायरमेंट है वहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं, आखिर इंडिया मतलब इंडिया नहीं, आखिर ये पूरे अर्थ पे इस तरीके का इन्वायरमेंट आखिर क्यों बना। और मतलब पहले अगर यहाँ पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि ऐसे भी चांसेस हैं कि पहले जो है इसकी इतनी ज़्यादा एबंडेंस होगी कि अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ यही न्यूट्रिनो होगा, मासलेस ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई होगी जिसके कारण जो है इन्वायरमेंट में आज हम लोग नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो एक बार जब, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग अभी सटीकता के साथ, कुछ ऐसी प्रमाणिकता के साथ इस बातों को नहीं बता सकते, और हम लोग होपफुली जब इसमें रिसर्च करेंगे तो होपफुली हमारे लिए गुड न्यूज सामने निकल कर आएगा। ओ यू मान मामा, ये जो आप देख रहे हो इसको क्या बोला, ये लोग बोल रहे हैं क्या ये एस्टेरॉइड था, क्या ये कॉमेट था, या फिर एलियन का स्पेसशिप था। जहां तक ये जो आपको उठपटांग सा नाप दिख रहा है ओ से स्टार्ट होता हुआ, ये सबसे पहले कहां पर डिटेक्ट किया गया था, अक्टूबर 19, 2017 को डिटेक्ट किया गया था। कहां पर? हवाई मतलब वहां पर ये देखे थे लगभग 32 मिलियंस जो अर्थ से दूर है वहां पर एक जो है सोलर सिस्टम में एक लाइट इमिट करता हुआ कुछ ऑब्जेक्ट देखा गया, और लोग वहीं पर सस्पेक्टिव हो गए कि आखिर ये ऐसी चीजें क्यों हो रही है। और ये सस्पेक्टिव इसलिए हो गई क्योंकि इसकी जो लाइट थी वो मतलब लगातार चेंज हो रही थी, कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाती थी इससे लाइट निकलनी, कभी कम हो जाती थी। और जब ये मतलब कंप्लीट अपने एरिया में, अपने फुल फ्लेश्ड एरिया में आया, तो लगभग हम लोगों ने इसको देखा कि ये सबसे ज्यादा लाइट इमिट कर रही थी। और जब ये अर्थ की ओर टुवार्ड्स था, मतलब मान लो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट थी, और ये ऑब्जेक्ट जिस तरीके से देखा गया था टेलीस्कोप से, वो ऑब्जेक्ट जो था सिगार टाइप का, जैसे सिगार का शेप होता है वो सिगार टाइप का मिला। तो ये जो इस तरीके से जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर मैक्सिमम लाइट हमें देखने को मिला, लेकिन यही सिगार टाइप जब अर्थ को इस तरीके से देखी जा रही थी तो हमें कम से कम लाइट देखने को मिला। मतलब लाइट इतनी ही एरिया से अब आ रही है, लेकिन पहले लाइट इतनी एरिया से आ रही थी। तो ये मतलब समझने में लोग कन्फ्यूज हो गए कि आखिर ऐसी क्या ऑब्जेक्ट हो सकती है। और ये जो ऑब्जेक्ट थी बहुत ही स्पीड से वहां पर दिख रही थी, स्पीड से बोलूं तो ये जो पर सेकंड 87 किलोमीटर की स्पीड को तय कर रही थी, पर सेकंड 87 किलोमीटर की स्पीड को तय कर रही थी। और ऐसा माना जा रहा है कि ये इतनी स्पीड थी कि वो सन की ग्रेविटी को भी पार कर सकती है। मतलब क्या कि जैसे सन है, सन के कारण कुछ ना कुछ ग्रेविटी, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे हुए, जिस कारण क्या है सोलर सिस्टम सभी आपस में एक अपने ही ऑर्बिट पे सब रोटेट होते रहते, घूमते रहते, एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं घूम जाते हैं, है ना। तो ये अगर वो पर्टिकुलर स्पीड उसमें बहुत ज्यादा होगा तो वो बोला जाता है कि सन, अगर वो सन के आसपास से भी गुजरता है ये ऑब्जेक्ट, तो सन भी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता है इतने स्पीड होने के कारण। ये सारी चीजें इसमें पता की गई। तो बाद में पता चला कि क्या ये एस्टेरॉइड था, कॉमेट था, या फिर एलियन स्पेसशिप था, इस पर डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया। तो वो बात की बातें तो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए कि एस्टेरॉइड और कॉमेट आखिर ये डिफरेंट चीजें होती क्या है, क्योंकि सुनने में जो है चीजें एक जैसी ही लगती। तो कॉमेट होता है द चंक ऑफ आइस, मतलब एक बहुत ही, आप कह सकते हो वहां पर बहुत सारे आइस के टुकड़े होंगे, रॉक होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, जो कि डेवलप होते हैं कितने ब्राइट कोमा एंड टेल्स व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन, जो कि वहां पर एक कोमा और टेल्स वहां पर डेवलप होता है। यहां पर आप कोमा और टेल्स दो टेक्निकल टर्म है। कोमा और टेल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एस्टेरॉइड है, तो एस्टेरॉइड पे वहां पर धूल हो गया या फिर वहां पर आइस हो गया, उससे रिलेटेड उसके कोर में जो कोर के आसपास जो वहां पर धूल हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए और आइस के पार्टिकल अगर जमा हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। और उसके टेल में, मतलब उसके पीछे वाले भाग में, और अगर वहां पर क्लाउड जैसे चीजें फॉर्म होती है, जैसे कि बादल आप देखते हो, तो बादल जैसे अगर चीजें वहां पर फॉर्म होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो कॉमेट में क्या होता है, ये कोमा और टेल दोनों ही होता है। लेकिन हम लोगों ने जो ये ओयू मामा जो आप देख रहे हो यहां पर नाम, इसको जब वहां पर पूरे डिटेल से देखा गया तो पाया गया ना तो उसमें कॉमा था ना ही उसमें टेल था। इसका मतलब क्या कि वो कॉमेट नहीं हो सकता। एस्टेरॉइड क्या होता है, एक लार्ज ऑब्जेक्ट इन स्पेस मेनली कंपोज्ड ऑफ रॉक एंड मेटल्स विद अ सम आइस, मतलब एक
बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा आप समझ लो, और वहां पर क्या होता है, बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा मतलब ऐसा नहीं कि आपके हाथ में जो आ जाए, ये 1 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर के दूरी के इतना बड़ा मतलब हो सकता है ये पत्थर, मतलब 100 किलोमीटर इतना दूरी जितना है उतना बड़ा पत्थर जो है, मतलब आप समझ सकते हो किसी पर्वत जैसा, पठार जैसा पत्थर अगर वहां पर आ जाए, जहां पर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वहां पर रॉक हो, मेटल्स हो और कुछ आइस हो, जिसे हम लोग एस्टेरॉइड कहते हैं। उससे ही मिलता जुलता और भी टर्म्स होते हैं, वो क्या होता है, मीटेराइड, अ पीस ऑफ रॉक आइस एंड द मेटल फ्रॉम स्पेस डस्ट टू द बॉल्डर्स इन साइज, मतलब इसके साइज जो होते हैं थोड़े कम होते हैं। एस्टेरॉइड में जहां मैंने बताया 1 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है, तो ये जो है 1 मीटर तक, मतलब इसकी साइज जो है छोटी, यहां पर आप देख रहे हो ये साइज इतनी बड़ी है, ये साइज इतनी छोटी है। मीटेरॉइड क्या होता है, मीटेरॉइड होता है एस्टेरॉइड दैट सर्वाइव इट्स ट्रिप टू अर्थ सर्फेस, मतलब अर्थ सर्फेस के ट्रिप को ये सर्वाइव कर ले, उसे हम लोग मीटेरॉइड कहते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि किसी को, मतलब मूवी में भी देखते हो कि जिसे बोलते हैं टूटता हुआ तारा दिख रहा है, तो टूटता हुआ तारा जो होता है उसे हम लोग मीटेरॉइड ही होता है, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा, और हम लोगों में ऐसे बोलते हैं कि आंख बंद करके कुछ भी दुआ करो वो पूरी हो जाती है। एक्चुअली में साइंटिफिक टर्म में क्या होता है, वो मीटेरॉइड होता है। बोलाइड एन एक्सपेक्टली ब्राइट फायरबॉल एंड एंड्स अप विद द मीटेरॉइड एंड एस्टेरॉइड एक्सप्लोडिंग, मतलब ये एक बहुत चमकीला वस्तु समझ सकते हो जो कि अपने आप चमकती है और फिर वो स्पेस में ही जाकर खत्म हो जाती है। तो ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं, ये चीजें आपको मतलब समझनी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती है। तो हमारी बात क्या हो रही थी, कॉमेट की और एस्टेरॉइड की। तो कॉमेट का मतलब समझ गए, उसमें क्या होता है, टेल एंड कॉमा होता है, और एस्टेरॉइड क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा पत्थर जहां पर मेटल्स हो सकता है, आइस हो सकता है और डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें नहीं थी, तो आखिर ये तीसरी चीजें थी कि क्या थी, इस चीजों पर अभी डिटेल पता नहीं चल पाया। अयोध्या और फैजाबाद, अयोध्या अभी फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया। तो अयोध्या के बारे में थोड़ी जानकारी बता दूं आपको, अयोध्या जो था अवध रीजन का पार्ट था, ठीक है, और अभी भी अवध रीजन का ही पार्ट है। अवध वाज आल्सो प्रिंसली स्टेट, अवध जो है एक प्रिंसली स्टेट भी था, जो कि किसके द्वारा फाउंड किया गया था, नवाब सदत अली खान, ध्यान से सुनना, नवाब सदत अली खान जो थे उनके द्वारा यह प्रिंसली स्टेट फाउंड किया गया था। अयोध्या वाज द पार्ट ऑफ द एंशिएंट कोसाला स्टेट, कोसाला स्टेट का यह पार्ट था विद साकेत, मतलब साकेत को अयोध्या नाम से भी हम लोग जानते हैं, इज इट्स कैपिटल, मतलब कोसाला स्टेट का कैपिटल कहां था, साकेत था। वहां की अब हिस्ट्री की बात करो, लॉर्ड रामा के बारे में हर कोई जानते हैं, जो कि रामा को, रामचरितमानस को कौन लिखे थे, तुलसीदास, और तुलसीदास किस लैंग्वेज में रामचरितमानस को लिखे हैं, अवधि, अवधि कौन सी लैंग्वेज है, क्योंकि अयोध्या अवध का पार्ट है और अवध का वहां लोकल लैंग्वेज होने के कारण तुलसीदास ने इसे अवधि में रामचरितमानस को लिखा। तो आपको यह एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी चाहिए कि रामचरितमानस संस्कृत में नहीं लिखा गया, हिंदी में लिखा गया, ये अवधि भाषा में लिखा गया। अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ, और साथ ही साथ राम के साथ साथ जैन के ऐसे 5 तीर्थंकर हो गए, लॉर्ड बुद्धा भी यहां पर आए थे, तो ये बहुत ही सैक्रेड प्लेस माना जा सकता है अयोध्या। और अगर थोड़ी सी और मुगल साम्राज्य में अगर हम लोग जाएं, तो नवाब सद्दत, हु वाज द फैजाबाद सिटी, मतलब नवाब सद्दत ने इसका नाम फैजाबाद रखा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फैजाबाद का नाम, फैजाबाद आखिर रखा कौन था, नवाब सद्दत। और उसके बाद मंसूर खान आए और वहां पर अपना उन्होंने अयोध्या में मिलिट्री बेस बनाया, और मंसूर का जो बेटा था मंसूर खान का बेटा सुजाद उद दौला वो अयोध्या को अवध का कैपिटल बनाया, और उसके साथ फैजाबाद को भी उन्होंने डेवलप किया, और साथ ही साथ उसका जो सन था असफ उद दौला उसने फिर अयोध्या से कैपिटल को हटाकर कहां, लखनऊ लेकर चला गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये नवाब सद्दत जो थे वो फैजाबाद का नामकरण फैजाबाद रखे थे, वहीं से हम लोग फैजाबाद नाम पहली बार रखा गया था उनके द्वारा। उसके बाद मंसूर खान का नाम आता है, जो कि अयोध्या में पहली बार क्या बनाए थे, मिलिट्री बेस बनाए थे। मंसूर अली खान के बेटे थे सुजा उद दौला, जो कि क्या किया, अपना कैपिटल को अयोध्या शिफ्ट किए, और उसके बाद उसका जब बेटा आया सुजाद उद दौला का, आसफ उद दौला, तो उसने अपने कैपिटल को अयोध्या से हटाकर कहां लेकर चला गया, लखनऊ लेकर चला गया। तो ये सारे हिस्टोरिकल कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स में डायरेक्ट कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ये वर्ल्ड पेज है, वर्ल्ड पेज पर जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट गए हुए, और वहां पर जो है इंडिया बिल्ट
वॉर मेमोरियल इन द नॉर्दर्न फ्रांस टू पे ट्रिब्यूट टू द थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन फाइटिंग इन द वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर। मतलब एक वॉर मेमोरियल वहां पर बनाया गया इंडिया के द्वारा, किसके मतलब रेस्पेक्ट में, जो कि वर्ल्ड वॉर वन में इंडियन सोल्जर्स मरे। और लगभग कितने इंडियन सोल्जर्स वहां पर थे, लगभग कह सकते हो वो 800,000 इंडियन ट्रूप्स वहां पर फाउट कर रहे थे, जबकि वो अपने देश इंडिया के लिए फाइट कर भी नहीं रहे थे, फिर भी जो है 800,000 सोल्जर्स जो है वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया की तरफ से भाग ले रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि मैंने इससे रिलेटेड इससे पहले जो आर्टिकल समझाया था एडिटोरियल डिस्कशन, उसमें मैंने बताया था कि आज जो मिडिल ईस्ट का आप मैप देखते हो, सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ पर टर्की हो गया, जिस तरीके से ओमान है, यमन है, इराक है, ईरान है, आप उस डिस्कशन को ज़रूर देखना। वो डिस्कशन में मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है कि मिडिल ईस्ट का जो आज का फिगर है, जो आज का मैप है, वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और वहाँ पर ऐसे होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले किया है, वो इंडियन ट्रुप्स, इंडियन आर्मी जो वहाँ पर गई थी और किस तरीके से वहां पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, उन चीजों को आपको समझना चाहिए। मैंने वो एडिटोरियल डिस्कशन, मेरी लास्ट एडिटोरियल डिस्कशन जो है सैटरडे की, आप वहां पर जाकर उसे सुनना, आपको बहुत अपने आप पर गर्वान्वित महसूस होगा। 70% ऑफ द यूथ अनअवेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो हमारी एक प्रॉब्लम है ही। और आज का भी एडिटोरियल डिस्कशन, उसमें भी मैंने इसको बहुत गहराई से समझाया कि गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग बनाती है, जैसे स्किल इंडिया डेवलपमेंट ही है, तो वहां पर लोगों को इसके बारे में पता होता ही नहीं है। जैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मे बी आप पढ़ लिख कर इन सब चीजों को जानते हो कि स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन आप अपने 5 दोस्तों से अगर जाकर पूछो कि स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या है, या फिर आपके रीजन में स्किल इंडिया से रिलेटेड कुछ वर्क चल भी रहा होगा, लेकिन आपके दोस्तों को या फिर आपको भी हो सकता है वो चीजें पता नहीं होती। तो आखिर ये ऐसी क्यों है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज बनाती है हमारे लिए, हम अपने सिटीजंस के लिए, पुअर्स के लिए, तो उनको अगर वो चीजों टारगेट नहीं कर पाएगी, उनको उस चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, तो उस पॉलिसीज का बनाना और पॉलिसीज के नाम पर पैसे उतने उस पर लगा देना, ये जो है कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव साबित नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमें समझने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया टू सिप लेस ऑयल इन द दिसंबर, सऊदी अरेबिया जो है दिसंबर में क्या बोला, कम मतलब ये जो है अपने जो जितने ऑयल वो एक्सट्रैक्ट करता और भेजता है पूरे वर्ल्ड को, उसको थोड़ी उसमें कमी करेगी, और कमी भी कितना, 0.5 मिलियंस पर बैरल। और ऐसा क्यों, क्योंकि अभी ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने के कारण यूनाइटेड स्टेट ने प्रेशर बनाया, किस पे, यूनाइटेड स्टेट ने प्रेशर बनाया सऊदी अरेबिया पे कि क्योंकि ईरान से कोई अब तेल नहीं ले सकता, तो उसकी भरपाई आप करो और ज़्यादा से ज़्यादा तेल को एक्सट्रैक्ट करके पूरे वर्ल्ड मार्केट में भेजो। लेकिन अभी जो वेवर स्कीम मिल गया इंडिया को, चाइना को, ऐसे ऐसे कंट्री को, कि आप वहाँ से तेल अभी ले सकते हो फॉर द टाइमिंग, तो जिस कारण से सऊदी अरेबिया जो है जितना एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसमें 0.5 मिलियन बैरल जो है उसकी कमी करने की सोची है दिसंबर में। तो थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।